फैमिली वेलकम बैक इन मैनी व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है 5 PM में, और आज मैं व्लॉग इस वजह से इतनी लेट शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह से हो रही है बारिश बड़ी खतरनाक वाली। तो मैंने सोचा बारिश हो रही तो आपको क्या दिखाया जाए, क्योंकि मैंने बारिश वाली एक वीडियो पहले से डाल दी है। मैंने सोचा अगर रोज़ बारिश दिखाऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग शुरू कर लिया जाए। और अभी बारिश तो बंद हो चुकी है और मौसम इतना साफ हो गया है, पीछे आप देख सकते हो सूरज इतने खतरनाक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अभी मैं आया हूँ छत पे थोड़ी हवा लेने के लिए, और क्या, और कुछ नहीं। गाइस बारिश के बाद मौसम कितना मस्त हो रहा है, ये देखो यहाँ पे धान के खेत और वहाँ पीछे पहाड़ नैनीताल के दिखने लग गए हैं। ये नैनीताल के पहाड़ और वहाँ पर वो पिथौरागढ़ के जूलीकोट भवाली सबके पहाड़ दिख रहे हैं। देखो बादल हो रहे हैं बड़े पहाड़ों की तरफ को, बड़े खतरनाक हो रखे बादल। मुझे अपने पहाड़ को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। सो गाइस 5 मिनट के अंदर पूरे पहाड़ गायब हो गए, बादलों ने ढक लिया पहाड़ों को। ये देखो अब दिख ही नहीं रहे पहाड़ ये, और सूरज इतनी तेज आ चुका है सर के ऊपर 5 मिनट के अंदर अंदर। अभी बारिश हुई थी फिर से, अभी भी थोड़े बादल वहाँ से आ रहे हैं और थोड़े वहाँ से भी हैं। गाइस ये देखो पानी में सूरज की रोशनी, ये देखो और पूरा आसमान दिख रहा है इसमें, ये पानी में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो पेड़ भी दिख रहे हैं इसमें पानी में, और यहाँ का मौसम देखो पूरा, मैं आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ। इसलिए देखो पूरा वाइड एंगल में और भी मस्त लग रहा है ये, ये देखो। ये देखो पूरा इतना मज़ेदार लग रहा है ये। कैली ये भी मज़े लेने छत पे आया है। कैली सबको हेलो बोल दे, हेलो बोल दे, शेक हैंड। देखो गाइस अगर आप में इसने मेरे को शेक हैंड कह दिया तो आपको भी समझ लो इसने शेक हैंड कर ही दिया, क्योंकि आप तो अभी कर नहीं सकते। जब आप हमारे घर मिलने आओगे हमसे तो हम अपने कैली से आपको भी शेक हैंड करवाएंगे। गाइस बारिश के बाद हम अपने घर के पेड़ पौधे दिखाते कैसे हो गए हैं वो। गाइस अभी मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ देनी है, वो न्यूज़ ये है कि कल है मेरा बर्थडे, इसको हिंदी में कहते हैं जन्मदिन। तो इसी वजह से मैंने एक व्लॉग बना लिया। ये वैसे मेरे बर्थडे का episode number 1 है, episode number 2 आप आगे देखना कल या परसों जब भी अपलोड होगा, जब अगर नेट बचेगा तब मैं अपलोड कर दूँगा। 10 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, आप मैंने सोचा ये छोटी सी बात आपसे शेयर करी जाए कि मेरा बर्थडे कब आता है। अगर आप भी अगर आपका बर्थडे जिस डेट पे आता है आप कमेंट कर सकते हो उस डेट पे। मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बर्थडे जिस तारीख आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका मतलब थोड़ा ऐसा था तो मैं थोड़ा भटक गया, फंबल हो गया मेरा, तो एक्साइटमेंट में बोला नहीं जा रहा है क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और आपको पता ही है
अगर आपका भी जन्मदिन होगा तो आपको भी एक्साइटमेंट जरूर होगी। यहाँ से भी बड़ा खतरनाक आ रहा है, ये देखो पूरा वहाँ तक मज़ेदार। और ये लिप्टिस के पेड़ जो उस दिन ऐसे लहरा रहे थे, आज वो ऐसे सीधे खड़े हैं। जब बहुत तेज़ तूफान आता है ना, तब ये पेड़ पूरा इस तरफ को झुक जाता है, मतलब इस तरफ को, इस तरफ की हवा होती है तो इस तरफ को ही झुक जाते हैं, और इस तरफ की हवा होती है ऐसे ही झुक जाते हैं, मतलब फ्लैक्सीबल हैं एकदम। जैसे वो होता नहीं है वो जो ऐड आता है कॉलगेट का, फ्लैक्सीबल दांतों के लिए चाहिए हमें फ्लैक्सीबल वाला ब्रश, मतलब गलत हो गया, मतलब दांतों को के जड़ जड़ में साफ़ करने के लिए फ्लैक्सीबल ब्रश, वैसे ही वाला सीन हो रहा है इन पेड़ों का भी। आप भी सोच रहे होंगे ये पागल हो गया क्या, आज कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि ये पागल तो नहीं हो गया है, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है आज। वैसे गाइस मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। थोड़ा आपको 360 व्यू देता हूँ वाइड एंगल में अपने वहाँ का। सो गाइस अभी देखो फिर से बादल लग चुके हैं और सूरज भी छिप चुका है, बिल्कुल कोहरांग होकर बादलों से घिर गया है पूरा आसमान। और ये देखिए आपको हम दिखाते हैं ऐसे, ये देखिए, ये दिख ही रहे होंगे आपको बादल, ये इतने खतरनाक काले काले बादल। मुझे लग रहा है एक बार और बारिश आने वाली है फिर से। वैसे ये देखो कितना काला बादल है वहाँ पे वो, ये देखो। मैं सोचा एक टाइम लैप्स भी बना देता हूँ, चलो मैं टाइम लैप्स बनाता हूँ। सो गाइस आपको टाइम लैप्स कैसे लगे आप कमेंट में जाके जल्दी से बताइए, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। दिस इज एपिसोड नंबर 1, मीट यू सून इन एपिसोड नंबर 2। बाय।